हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड. प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी रेड दिस पोयम वुड पिकर एंड ऑल्सो अंडरस्टूड इट्स हिंदी मीनिंग. बट टुडे आई एम अगेन फॉर रिवीजन गोइंग टू टीच यू, सो लिसन केयरफुली. मैं इसको एक बार फिर दोबारा आप लोग के लिए फिर से जो है इस पोएम को डिस्क्राइब कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट स्पीक दिस पोएम विद मी. मेरे साथ एक बार आप सभी पढ़ें. वुड पिकर पैक 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 ड्रिल विद योर बिल एंड बॉब योर नेक. Peck out a hole in the trunk of a tree, peck out a nest for all to see. Cling the wood with your sharp clawed feet, peck through the bark and find bugs to eat. Woodpecker, peck, 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 drill with your bill and bob your neck. Mahesh Goldish. On this lesson, there are difficult word meaning. Peck, peck means hota hai. अपनी बीक से क्या करना, चोट करना. जो वुड पिकर होता है वो क्या करता है, अपनी बीक से बार बार पैक करता है जो पेड़ की जो ऊपरी जो सरफेस होती है उस पर जो है बार बार अपने बीक से चोट करता है ताकि वहाँ पे होल हो. ड्रिल विद योर बिल, ड्रिल मीन्स होल, बिल मीन्स बीक. बॉब मीन्स होता है अपने सिर को अप एंड डाउन करना. क्लिंग, क्लिंग मीन्स होता है चिपकना, होल्ड टाइटली कस के पकड़ना. बार बी ए आर के पाक, पाक मीन्स होता है पेड़ की ऊपरी सरफेस या छाल. ओके, चलिए फिर से एक बार करते हैं. वुड पिकर पैक 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 ड्रिल विथ योर बिल एंड बॉब योर नेक. मीन्स कह रहा है पोएट, हियर पोएट डिस्क्राइब दैट वुड पिकर तुम क्या कर रहे हो. पैक पैक मीन्स कंटिन्यूसली तुम्हारा जो वर्क है कि पेड़ में अपने बीक से होल करना, वो कंटिन्यूसली तुम अपना काम किए जा रहे हो. ड्रिल विथ योर बिल मीन्स होल कंटिन्यूसली अपने बीक से क्या कर रहे हो, पेड़ के अंदर होल कर रहे हो. एंड बॉब योर नेक, और ऐसा करते समय तुम्हारा जो सिर है वो क्या करता है, वो अप एंड डाउन हो रहा है, मूव कर रहा है. होता है ना जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम अपने मुंह से काटते हैं या कोई चीज़ काटते हैं तो क्या होता है, हमारा सिर हिलता है. उसी तरीके से वुड पिकर है, उसका भी जो सिर है, हेड है, वो अप डाउन हो रहा है. पैक आउट अ होल, पैक आउट अ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री. पैक आउट अ होल मीन्स क्या कर रहे हो तुम जो है, पैक आउट मीन्स उसके अंदर होल कर रहे हो. इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, जो पेड़ का जो ट्रंक मीन्स पेड़ की जो मोटी जो तना है, उस तने में तुम होल कर रहे हो. पैक आउट अ नेस्ट, किस लिए, एक नेस्ट भी बनाने के लिए ताकि उसके अंदर जाके तुम आराम से रह सको. फॉर ऑल टू सी, और उस घर में रहते हुए तुम ऑल टू सी सभी चीज़ों को, मीन्स उस जो कि पेड़ बड़ा होता है और उस पेड़ के अंदर ऊपरी टॉप फ्लोर पे अगर तुम रहोगे तो तुम जंगल के सारी चीज़ें सब कुछ देख सकते हो. क्लिंग टू द वुड, क्लिंग टू द वुड विथ योर शार्प क्लॉड फीट मीन्स पेड़ों पे चढ़ने के लिए, पेड़ों को टाइटली पकड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या है, बहुत ही शार्प क्लॉड फीट है, स्ट्रॉन्ग तुम्हारे जो पंजे हैं वो बहुत ही मजबूत हैं. पैक थ्रो द बाग, और बाग मीन्स पेड़ की ऊपरी छाल. एंड फाइंड बग्स टू ईट मीन्स बाघ को भी टाइटली पकड़ने के लिए, और क्या करने के लिए, फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, खोजना. किस लिए, बग्स, बग्स मीन्स कीड़े मकोड़े, टू ईट खाने के लिए. कीड़े मकोड़े जो पेड़ों के छालों के भी अंदर रहते हैं उनको भी खाने के लिए तुम पैक करते हो, ड्रिलिंग करते हो. वुड पिकर पैक 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 ड्रिल विद योर बिल एंड बॉब योर नेक. वुड पिकर तुम अपना वर्क कंटिन्यूसली करते चले जाते हो विदाउट टेकिंग अ रेस्ट. तुम बिल्कुल भी एक आराम छोटा सा नहीं लेते हो और कंटिन्यूसली अपना वर्क करते चले जाते हो. बच्चों हम लोग को इस पोएम से क्या है, एक मैसेज मिलता है कि अपना जो वर्क होता है कंटिन्यूसली जो है उसको करते रहना चाहिए. जैसे कि ये आपकी जो बर्ड्स है वुड पिकर वो कर रहा है, या फिर छोटी सी अगर आप देखें आंट तो वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, मूव करती रहती है. छोटी सी चींटी वो कंटिन्यूसली अपना वर्क करती है. तो उनसे हम लोग को इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि हम उनको देख करके, और हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ है, पैर है, अपनी बात कहने के लिए माउथ है, दिमाग है, सब कुछ है, तो उन सब का यूज़ करते हुए क्या करना चाहिए,
हमें अपने वर्क को ऑनेस्टली करना चाहिए, और इस समय आपका वर्क है क्या? ओनली स्टडी. सो यू शुड पे फुल अटेंशन टूवर्ड योर स्टडी. ओके, टुडे इन अ होमवर्क यू विल अगेन लर्न एंड राइट, मीन्स इस पोएम को लर्न करेंगे, देन राइट इन योर इंग्लिश कॉपी. इफ़ यू मेक पिक्चर ऑफ दिस लेसन ईजली वे, देन यू कैन ऑल्सो मेक अ पिक्चर. आप एक पिक्चर यदि बना सकते हैं तो आप उसे बनाएं. थैंक यू.